पर रसलमीनिया किक ऑफ में रॉक ने वो कर दिया भाई जो किसी को अंदाजा नहीं था जिस चीज का। भाई रॉक ने कूडी रोड्स को स्लैप मार दिया था। उसके बाद दोस्तों कूडी रोड्स भाई काफी नाराज हो गए थे इस बात पे और यहाँ पे भाई काफी लड़ने लगे थे। कूडी रोड्स के पीछे भाई सेट रॉलिंस भी बोल रहे थे जहाँ पे दोस्तों उनको रोमन रेंस ने भाई हैंडल करा था। लेकिन भाई फाइनल में आपको बताऊंगा किसी भी बंदे को ये लग रहा है कि अभी तक भाई ये मतलब एक तरीके स्टोरी लाइन नहीं चल रही, तो दोस्तों स्टोरी लाइन ही चल रही थी। खैर दोस्तों यहाँ पे हमें बिगी और सीएम पंग भी देखने को मिला जो काफी अच्छा मूवमेंट था। लेकिन दोस्तों टॉप रेसिंग चैलेंज रिलेटेड मैं आपको सारी भाई बढ़िया बढ़िया अपडेट देता रहता हूँ और एक से एक दोस्तों वीडियो दिखाता रहता हूँ भाई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। यहाँ पे 2K कंप्लीट करा दें भाई, 1900 सभी बंदों ने कंप्लीट करा दिए सब्सक्राइबर, तो भाई इसके लिए थैंक यू। लेकिन भाई यहाँ पे 2K सभी के सभी बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रॉक ने भाई फैंस की वजह से भाई कूडी रोड्स के मुंह पर स्लैप मारा और सोच रहे होंगे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप भी उन्हीं में से वो फैंस हो भाई जो ट्विटर पे भाई एक छोटे से मैच के लिए भाई गाली गलौज लिख रहे थे, ब्लूज कर रहे थे भाई एक दूसरे को मैट की तरह, मतलब एकदम यार क्रेज हो गए थे सबके साथ मतलब छोटे से मैच के लिए, जिस कारण से दोस्तों हमें स्टोरी लाइन अब ऐसी देखने को मिली है। क्योंकि दोस्तों हम सभी बंदे जानते हैं भाई जब से इन तीनों के बीच बात चल रही है रोमन रेंस, कूडी रोड्स और रॉक के बीच, तो भाई ट्विट पे एक से एक भाई ब्लूज आ रही है, एक से एक मैच अपनी मर्जी से भाई बंदे रखवा रहे हैं। यहाँ पे कोई चाहता था भाई वी वांट कूडी, कोई चाहता था भाई वी वांट रॉकी, लेकिन दोस्तों सारे के सारे बंदों ने यहाँ पे मतलब एक छोटे से मैच को इतना आगे बढ़ा दिया, इतना आगे बढ़ा दिया और फाइनली भाई अपने मर्जी से डिसीजन निकाला था यहाँ पे ट्रिपल थ्रेड मैच का। रोमन रेंस और रॉक दोस्तों फैमिली मेंबर्स है, जिस कारण से रॉक और रोमन रेंस को भी दोस्तों ये मैच पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि ट्रिपल थ्रेड भाई सभी फैंस यहाँ पे कह रहे थे। इसी कारण से दोस्तों रॉक ने भाई साइड होने का सबसे अच्छा तरीका निकाल लिया और भाई रॉक ने कूडी रोड्स के मुंह पर स्लैप मार दिया, जिसके बाद भाई रॉक को खुद यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। खैर दोस्तों उस बारे में बात करेंगे। लेकिन भाई आज के स्मैकडाउन में हमारे पॉल हेमन ने बताया कि रोमन रेंस और रॉक हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मूवमेंट होगा, तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है हमारे नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेंस और रॉक भाई साथ आएंगे एकदम, जो दोस्तों काफ़ी अच्छा हमें मूवमेंट लगेगा। लेकिन भाई इस बार ये देखना है कि मतलब एक दूसरे से यहाँ पे क्या बातचीत होने वाली है और कूडी रोड्स हमें देखने को मिलेंगे या नहीं। और इसके बाद दोस्तों फाइनली भाई कूडी रोड्स और रोमन रेंस का ही मैच तय हुआ है भाई रेसलमेनिया मेन इवेंट के अंदर। इसका मतलब दोस्तों ये है, जिस भी बंदे को लग रहा था कि अभी तक स्टोरी लाइन यहाँ नहीं चल रही, तो दोस्तों अभी तक वही स्टोरी लाइन चल रही है जो WWE चला रहे थे। क्योंकि यहाँ पे सभी को रोमन रेंस और कूडी रोड्स का मैच रखना जरूरी था रेसलमेनिया 40 को एंड करने, क्योंकि दोस्तों रेसलमेनिया 40 के बाद ही यहाँ पे एंड होगा। क्योंकि कूडी रोड्स भाई रॉयल रंबल विन करे थे, उसके बाद से दोस्तों इनको जो अपना मैच वो रोमन रेंस के साथ चाहिए था अपनी स्टोरी यहाँ ख़त्म करने के लिए। और दोस्तों WWE वाले भाई बनाते एक अलग मूवमेंट है, एक अलग किस्सा है भाई, जिस कारण हमें स्टोरी ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगी रेसलमेनिया 40 में। क्योंकि दोस्तों पिछले साल भाई कूडी रोड्स और रोमन रेंस का रेसलमेनिया में मैच हुआ था भाई, वहाँ पर कूडी रोड्स हार गए थे, रोमन रेंस जीत गए थे। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस बार की, तो भाई मैं कन्फर्म तो नहीं हो, लेकिन दोस्तों 90% चांस है कि रोमन रेंस भाई इस बार अंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हार जाएंगे, उसके बाद दोस्तों कूडी रोड्स हमारे न्यू चैंपियनशिप बन जाएंगे। खैर दोस्तों मतलब जो रोमन रेंस के फैंस है भाई उन्हें काफ़ी बुरा लगने वाला है इस बार, क्योंकि स्टोरी लाइन इसी हिसाब से यहाँ पे ख़त्म होगी भाई, कूडी रोड्स की नहीं विन होगी, रोमन रेंस दोस्तों शायद इनको 4 ईयर्स कंप्लीट नहीं होगा और ये भाई चैंपियनशिप हार जाएंगे और कूडी रोड्स हमारे नई चैंपियनशिप बन जाएंगे। बट वेट दोस्तों सब बंदे भाई सीएम पंक को तो भूल ही गए भाई रॉयल रंबल हारने के बाद, इसी का दोस्तों इनका हैंड भी ब्रोक हो गया था भाई, उस कारण से दोस्तों सीएम पंक को मतलब सारे फैंस एक तरीके से भूल भी गए। दोस्तों इनके पीछे ना हमारे कोई ट्वीट देखने को मिल रहा है, ना कोई भाई इनका अगला मैसेज देखने को मिल रहा है। रेसलमेनिया किक ऑफ में दोस्तों ये ऐसे मतलब आए थे और बैठे हुए थे जहाँ पे बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसके सिवा हमें सीएम पंक का भाई कोई सिस्टम यहाँ देखने को नहीं मिला। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था भाई कि सीएम पंक का रेसलमेनिया फ्यूचर मैच जो होगा वो उसके ड्रू मैकइंटायर के साथ होगा रेसलमेनिया के अंदर, दोस्तों नाइट वन में हमें देखने को मिलेगा और ये मैच भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से यहाँ कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले क्योंकि दोस्तों सीएम पंक का अभी तक रिटर्न नहीं हुआ, अगर सीएम पंक का रिटर्न रेसलमेनिया से पहले हो जाता है तो दोस्तों इनको भी इनका मैच फाइनली रेसलमेनिया के अंदर यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई एक बार फिर से कह रहा हूँ भाई कर लेना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।